पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के मनोनीत पार्षद रामराज तिवारी समेत आप और कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने इनका पार्टी में स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आपने लोगों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, इससे निराश होकर आप नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप नेता हेमराज शर्मा, विजेंद्र वत्स, मीनाक्षी सभरवाल, कांग्रेस नेता अरुण किशोर दहिया सहित दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। आदेश गुप्ता ने सभी का बीजेपी में आने पर स्वागत किया। आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास की नीति से प्रभावित होकर दूसरी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत सारे वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के लोग हमारे पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं उनको बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। इन सब बातों को लेकर जिस तरह से जमीनी लोग आज भारतीय जनता पार्टी में, जमीनी नेता, जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ये निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दिल्ली के उपाध्यक्ष और मनोनीत निगम पार्षद रामराज तिवारी समेत अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की।